गाइज वेलकम टू आवर चैनल एसएमएस सेम आकेश टोकर। सो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो कि मेरा भी फेवरेट है ऑफ कोर्स, यहां पर जो कि मैं तो बिल्कुल यहां पर होल्डिंग छोड़ने को तैयार नहीं हूं। एक अच्छी खासी इक्विटी मैं खुद लेके बैठा हुआ हूं। एंड गाइज अगर बात करें टीटीएमएल की तो गाइज एक टारगेट दिया गया है, शॉर्ट टर्म का टारगेट। क्या वो टारगेट अचीव कर पाएगी कंपनी, क्या कुछ हो रहा है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो गाइज आज की बात करें तो एक जंप देखने को मिला, 93.25 रुपए तक ये ऊपर गया था। एंड आज के लो की बात करें 89.90 रुपए इसका आज का लो है। अगर बाउनी खाई की बात करें 109.10 रुपए इसका बाउनी खाई लो की बात करें, 49.80 रुपए इसका बाउन वीक लो है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो है ये 300 रुपए के आसपास तक गया था एंड उसके बाद डंपिंग हुई और अभी जो कि एक अपसाइड ट्रेंड दोबारा से चला और 100 रुपए को भी क्रॉस कर गया था शेयर प्राइस सितंबर में। उसके बाद डंपिंग दोबारा हुई बट जो अभी है वो 90 रुपए के आसपास काफी टाइम से फ्लक्चुएशन में है। एंड ऑफ कोर्स एक जो कि यहां पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर नजर आ रहा है इस लेवल के आसपास। एंड अगर बात करें इसके जो कि एनालिसिस की तो जो आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो करीब जो है 64 लाख इक्विटी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एनएससी पे। बीएससी की बात करें तो बीएससी पर भी 6.5 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। शॉर्ट एनालिसिस की बात करें 7 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेस है, 3 अपॉर्चुनिटीज है, 0 थ्रेट है, फेस वैल्यू 10 रुपए है। एंड इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो कि इसके सेंटिमेंट की तो 100% यानी कि एक जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पर जो कि शेयर में देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां से कभी भी उठ सकता है, यहां से कभी भी अपनी रफ्तार जो पुराने वाली रफ्तार है वो पकड़ सकता है। एंड अगर बात करें इसके अलावा इसके रिजल्ट की तो गाइज यहां पर रेवेन्यू जो है बिल्कुल मेंटेन्ड है, 280 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू मेंटेन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी स्टिल लॉस में 310 करोड़ का लॉस शो किया है। एंड गाइज इस क्वार्टर में जो करंट क्वार्टर है इसमें तो और भी ज्यादा लॉस होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल पेपर की इंस्टॉलमेंट की बात करें तो गाइज काफी बड़ी इंस्टॉलमेंट जाती है, करीब 350 करोड़ पर क्वार्टर। एंड इस क्वार्टर में करीब 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, यानी कि इस क्वार्टर में एक बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो सकती है बट यहाँ पर जो कि जो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो फैब में जाएगी, छोटी सी इंस्टॉलमेंट है उस टाइम पर, करीब 60 करोड़ के आसपास की इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद जो कि चीजें स्ट्रीमलाइन होने के चांसेस यहाँ पर जो कि काफी लग रहे हैं। एंड रेवेन्यू की बात करें तो मेंटेन रेवेन्यू है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि चीजें काफी जबरदस्त यहाँ पर स्ट्रोंग नजर आ सकती है। एंड अगर बात करें ईपीएस की तो ईपीएस की सिचुएशन भी करीब जो कि नेट प्रॉफिट वाली ही है। शेयर होल्डिंग की बात करें प्रमोटर अपनी होल्डिंग छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है सितंबर क्वार्टर में। अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक होल्डिंग यहां पर अगर बात करें तो डाउनफॉल देखने को मिला है। आदर्श की बात करें तो आदर्श की होल्डिंग 0 है। एंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है। एंड अगर बात करें इसकी पीएस कंपनी की, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एमटीएनएल, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये इसकी पीएस कंपनी है। एंड इसके अलावा एक लेटर भी दिया है, ये लेटर है 3 दिसंबर को एक कुछ एजीआर को लेके जो कि एक लिटिगेशन जो चल रही थी उसका जो कि ब्रीफ दिया गया है कि इसमें क्या कुछ है। तो गाइज यहाँ पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है फाइनेंशियल पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो कि एक्सपेक्टेड था एंड एक चांस लिया जा रहा था, अगर ऐसे हो जाता तो गाइज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते थे, एक अच्छा खासा यहाँ पर जो कि एक अमाउंट ऐड हो जाता जो कि ऑलरेडी प्रोविजन भी किया हुआ है ये अमाउंट। एंड इसके अलावा टोटल इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर 195 करोड़ की इक्विटी है जिसमें 145 करोड़ जो है प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप के पास है, 50 करोड़ जो इक्विटी है वो पब्लिक के पास है जिसमें एफआईआई, डीआईआई, अदर्स सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ये अभी एट प्रेजेंट टीटीएमएल की सिचुएशन है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसके टारगेट की तो गाइज जो कि स्टार्टिंग में ही बताया था तो गाइज यहाँ पर दीज टू स्टॉक्स में डिलीवर 18% रिटर्न इन शॉर्ट टर्म। तो गाइज यहाँ पर 27 नवंबर को ये न्यूज आई थी, यानी कि मनी कंट्रोल से, एंड इसमें क्लेरिफाई किया गया है, टारगेट किया गया है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र को जो कि
यहाँ पर जो कि लो वाला बात करें, जो कि लोवेस्ट टारगेट की बात करें, तो इन जो वो 89 का है, स्टॉप लॉस की बात करें 78 है, एंड अगर बात करें टारगेट की तो 105 रुपए का टारगेट यहाँ पर जो कि दिया गया है, यानी कि रिटर्न जो है 18% जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर बात करें, इससे पहले जो है 110 रुपए तक ये ऊपर गया था, तो गाइस यहाँ पर अगर 105 रुपए गया तो मेरे हिसाब से जो लास्ट टाइम 110 रुपए के आसपास गया था उसको क्रॉस कर सकता है, अगर ये 105 रुपए गया तो यहाँ पर एक रफ्तार बन सकती है अपसाइड ट्रेंड वाली, एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि जो इसका ट्रेंड है वो काफी जबरदस्त वाला ट्रेंड है, एंड एक जो कि सपोर्ट जो है वो बिल्कुल स्टेबल होके बैठा हुआ है, यानी कि बिल्कुल हिलने के लिए तैयार ही नहीं है शेयर प्राइस। आप यहाँ पर आप अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी चेक कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पर इसके ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सपोर्ट है ये वाला, ये काफी स्ट्रोंग सपोर्ट है। इससे पहले यहाँ पर भी ये देखिए, इधर भी जो कि एक जबरदस्त है जो कि उछाल देखने को मिला था, इसी सपोर्ट इसी लेवल से ही उछाल देखने को मिला था, एंड अगर ऐसा हुआ तो गाइस दोबारा से वो घड़ी यहाँ पर आ सकती है, यानी कि दोबारा से आपको वही पोजीशन दिख सकती है, एक बड़ा जंप इसमें देख सकते हैं। तो गाइस जस्ट वेट एंड वॉच, काफी कुछ इसमें देखने को मिल सकता है, एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको कमाने का मौका मिल सकता है। तो गाइस एक बेहतरीन सिचुएशन में है, बेहतरीन इसका सपोर्ट है, एंड इस सपोर्ट लेवल से अगर एक ऊपर उछाल देखने को मिला तो काफी ऊपर जाने के काफी काफी बड़े चांसेस यहां पर जो कि टीडीएमएल में नजर आ रहे हैं। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सो प्लीज चेक, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर।